खाजू वाला विधानसभा के गांव एक PHM के प्राथमिक स्कूल की शिक्षिका सोमलता बिश्नोई ने स्वाधीनता दिवस के अवसर पर गांव के ही 4 गरीब परिवार के 6 बच्चों को गोद लेकर सराहनीय कार्य किया। शिक्षिका सोमलता बिश्नोई ने बताया कि इन 4 परिवारों के 6 बच्चों की शिक्षा के लिए पूरी फीस उनकी बालिग होने तक, स्कूली ड्रेस और जरूरी स्टेशनरी शिक्षा के लिए बालिग होने तक संपूर्ण खर्च वे वहन करेंगी। उन्होंने बताया कि इन 6 गरीब बच्चों के लिए हर संभव मदद, जैसे कपड़े, बीमारी में इलाज के लिए खर्च आदि का वहन वे खुद करेंगी। गांव की शिक्षिका के सराहनीय कार्य से इन 4 गरीब परिवार के 6 बच्चों के लिए भविष्य में शिक्षा की आस जागी है। 6 बच्चों में से 3 बच्चों में से 2 बच्चों के माता पिता एक के पिता नहीं हैं। शिक्षिका के इस कार्य को गांव के लोग भी सराहना दे रहे हैं। इससे पूर्व शिक्षिका ने स्वाधीनता दिवस पर स्कूल में एक पौधा लगाकर सेलिब्रेट किया था। जो पूर्व में गोद लिए गए बच्चे थे उनके बारे में ग्रामीणों को अवगत कराया गया। गरीब घर के बच्चे थे, 5 बच्चों को 2 जुलाई 2021 को गोद लिया था शिक्षा क्षेत्र में। उनकी कॉपी किताबों का खर्चा और स्कूल ड्रेस मेरी तरफ से कक्षा 1 से 12 तक की खर्चा मैं वहन करूंगी उनके लिए। बच्चों की स्थिति, गरीब परिवार के बच्चे हैं, एक बच्चा ऐसा है जिसके माँ नहीं है, एक बच्ची जो राजकीय माध्यमिक विद्यालय 5वीं पढ़ती है, कुजा नाम है उसका, उसके पिता नहीं है, उसकी माता बेचारी दिहाड़ी मजदूरी करके टाइम पास करती है, एक लड़की वो है और 2 बच्चे, 2 बहन भाई है सुखलाल के हैं, उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है। इसलिए मैं सभी से निवेदन करना चाहती हूँ कि जितने भी हो सके इन 4 परिवार है ऐसे, इनकी मदद की जाए। खुशी हुई कि मैडम ने जो 5 गरीब बच्चों को गोद में लिए हैं और उनकी 12वीं तक की पढ़ाई के लिए सब व्यवस्था करेगी, वो बहुत सराहनीय काम है। और इनके स्कूल बहुत ही अच्छी प्रगति पर है और बच्चों को ये बहुत अच्छी शिक्षा और अच्छी जागरूकता करा रहे हैं। हमारे TRKYD में इनका प्रोग्राम था, उसको देख के मैं बहुत प्रभावित हुआ और इसलिए मैं आज नारायण सेवा संस्था द्वारा गुरुजी और मैडम को सम्मानित करने के लिए यहाँ एक PHM में पहुँचा। हाँ जी, जो हमारे मैडम हैं या मास्टर जी हैं, ये बहुत अच्छे आदमी हैं और बच्चे हैं कि अच्छी सेवा करते हैं और अच्छी तरह पढ़ा रहे हैं। मेरा पोता एक कक्षा चला गया था, इस मैडम ने बहुत उसकी सहायता करी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सराहनीय बात है, बहुत अच्छा किया इनने और बहुत काश किया, स्कूल का भी बहुत किया है। और उठाया था, उसके माँ बाप नहीं थे लेकिन इसने उसकी माँ की जगह करके उसको पढ़ा के सचिव में भेजा और आज भी ये बहुत सहायता कर रहे हैं मेरी। अच्छा काम है, बहुत सही किया है। गरीब बच्चा है, बहुत सहायता की नहीं है, उसको पढ़ाई ठीक है, 80 पढ़ाई करे मैडम साहब, आज ना गुरु जी 80 पढ़ाई करे, बहुत सब उन बच्चों के 1-2 के तो माँ नहीं है, 1-2 के पिता नहीं है और उनको जो गोद लेकर मैडम जी ने ये काम बहुत सराहनीय किया है और हम भी बहुत हमारा आशीष उनके लिए